श्रीलंका सरकार के मंत्री और वहां के तमाम बौद्ध भिक्षु भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। जहां विकास की नई उड़ान कुशीनगर, पश्चिमोत्तर बिहार और आसपास के जनपदों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 345 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास और लगभग 180 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम भी इनके कर कमलों से होने जा रहा है। भाइयों बहनों, कुशीनगर के बारे में कोई नहीं सोचता था कि कभी कुशीनगर जिले में भी कोई मेडिकल कॉलेज बनेगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, 2014 तक जब हम लोग सोचते थे मेडिकल कॉलेज के बारे में, तब कुशीनगर की बात तो बहुत दूर, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी स्वास्थ्य की जर्जर सेवाएं यहां पर असमय बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को काल के गाल तक पहुंचाने का कार्य करती थी। लेकिन 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है, आज मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी आपके अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से विगत 4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश अब तक 30 मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहा है, जिसमें कुशीनगर के मेडिकल कॉलेज का आज आपके कर कमलों से शिलान्यास होने जा रहा है। कुशीनगर के लिए मेडिकल कॉलेज उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुशीनगर के अंदर हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस से मरते हुए मासूम बच्चों को देखा है। इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में अगर कोई जनपद था तो वह जनपद था कुशीनगर जनपद। तो यहां पर आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में आफत की।